हेलो हैप्पी सोल्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं डोनट्स। ये बहुत ही सॉफ्ट, मॉइस्ट एंड टेस्टी बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई करना। इन डोनट्स के लिए मेरे क्लाइंट ने मुझे रिव्यूज़ में वॉइस मैसेज भेजा था, जो मैं आपको सुनाती हूँ। हेलो भाभी, आई एम रियली सॉरी, कल मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाई बिकॉज आई एम ऑल्सो अ टीचर। तो कल टीचर्स डे था, तो कल बहुत सारे स्टूडेंट्स और वो थोड़ा पार्टी वार्टी चल रही थी कल, तो इट वॉज वेरी आई वॉज वेरी ऑक्यूपाइड। डोनट्स वर अमेजिंग अमेजिंग, बहुत टेस्टी थे, बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि मैंने तो हर्षिम के आने के बाद ही खाए थे। तो इवनिंग में ही हम लोगों ने खाए थे गर्म करके, क्योंकि स्कूल में तो वो ले गई थी एंड हर फ्रेंड्स वर वेरी हैप्पी वो देख के, उसकी क्रिएटिविटी देख के, उनका डिज़ाइन देख के। एंड जब मैंने यहाँ पे गर्म करके खाया तो उसके अंदर जो फिलिंग थी एंड ऊपर जो क्रीम थी, इट वॉज टू गुड, अमेजिंग, बहुत अच्छा था एंड वेरी रीजनेबली प्राइज्ड। तो मतलब इट वॉज समथिंग डिफरेंट, अदरवाइज जो बच्चे केक पेस्ट्री और चॉकलेट्स तो लेके जाते ही हैं, तो थैंकफुली वी कम अप विद दिस आइडिया, डोनट्स एंड विद नेम्स। आई थिंक दिस वॉज वेरी यूनिक, और आपने जो उसकी प्रेजेंटेशन दी थी वो भी बहुत अच्छी थी, थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है ल्यूकवॉर्म मिल्क 150 ml, 2/3 कप, शुगर 3 टेबल स्पून, 40 ग्राम, ईस्ट 2 TSP, 5 से 6 ग्राम, ऑल पर्पज़ फ्लोर मैदा 1 कप, 240 ग्राम, मिल्क पाउडर 4 TSP, 20 ग्राम, वनीला एसेंस 1 TSP, बटर 2 TBSP और सॉल्ट 1 पिंच। हम यहाँ गुनगुने दूध में 3 TBSP शुगर और 2 TSP ईस्ट को मिक्स करके क्लिंग रैप करके साइड में किसी गर्म जगह पर रख देंगे। और एक बाउल में 1 कप मैदा, 4 TSP मिल्क पाउडर और 1 पिंच नमक को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 10 मिनट बाद हमारा ईस्ट कुछ इस तरह दिखने लगता है। अब इस ईस्ट के मिक्सचर को हम इसमें डालेंगे और नीडिंग करेंगे। मैंने 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच दूध साइड में रखा है हमारे डो की कंसिस्टेंसी को मैनेज करने के लिए, ताकि बाद में जब ज़रूरत पड़े, अगर हमारा डो टाइट होगा तो हम दूध का यूज़ कर लेंगे, और अगर हमारा डो पतला, कंसिस्टेंसी उसकी ढीली हो जाएगी तो हम मैदे का इस्तेमाल करेंगे। हम सारे मटेरियल को इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन हमें इसे गूंथना नहीं है, हमें इसे कलना है। जैसे पापड़ का आटा कला जाता है, हमें इसमें ग्लूटन क्रिएट करना है, इसमें खिंचाव लाना है। इसे हथेली से आगे की ओर घसीटते हुए कलना है, आटे की तरह नहीं गूंथना है। और इसे पटक पटक कर भी आप इसकी नीडिंग कर सकते हैं। नीडिंग की वजह से वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर आप पाव, ब्रेड, पिज्ज़ा, बन ये सब बनाने में भी माहिर होना चाहते हैं तो नीडिंग की प्रोसेस को अच्छे से देखें। हमें ना तो बहुत ज़्यादा नरम आटा लगाना है, ना ही सख्त लगाना है, हमें एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। मेरा डो सख्त है तो मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा दूध डाल देती हूँ, और हम बटर इसे कलते समय बीच बीच में यूज़ करेंगे, जिससे ये हमारे हाथों पर चिपकेगा नहीं। अगर आपका डो ज़्यादा नरम हो गया हो तो वो पहले से ही आपके हाथों में चिपकने लगेगा, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस आप कलते समय इसे बीच बीच में, जो 2 टेबल स्पून हमने बटर निकाल के रखा है रेसिपी के अकॉर्डिंग, उसको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हथेली पर लेकर आप कलते रहिए। इस तरह हथेली में बटर थोड़ा थोड़ा लेकर कलने से आपके लिए कलना आसान भी हो जाएगा, और हमारे डोनट बहुत ही बढ़िया, अंदर से टेक्सचर इनका बहुत अच्छा और ये सॉफ्ट बनेंगे। फ्रेंड्स, इस कलने की प्रोसेस को आप ध्यान से देखें, इसी से हमारे डोनट्स अच्छे बनते हैं। ये देखिए हमारा आटा तैयार है। हम 3 तरह से चेक कर सकते हैं कि हमारा आटा तैयार है या नहीं। नंबर 1, इसे पटकने या खींचने पर इसमें इस तरह से स्ट्रेच आएगा। नंबर 2, इसे फिंगर टच करने पर ये बाउंस बैक करेगा। नंबर 3, इसे पतला करके खींचने पर ये ट्रांसपेरेंट दिखेगा। ये देखिए बस ऐसी ही एक झिल्ली दिखनी चाहिए। मैं एक बार और रिपीट करती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे नंबर 1, इसे खींचने पर इसमें रबड़ की तरह ऐसे स्ट्रेच आएगा। नंबर 2, फिंगर टच पर बाउंस बैक करेगा। और नंबर 3, इसे खींचने पर ट्रांसपेरेंट फिल्म बनेगी। अब हम इस आटे को एक बाउल में डालकर क्लिंग रैप कर खमीर आने के लिए रख देंगे। नॉर्मली इसे 45 मिनट के लिए रखा जाता है। बहुत अधिक गर्मी में ये 15 से 20 मिनट में डबल साइज़ का हो जाता है, और बहुत अधिक ठंड में 1.5 से 2 घंटे भी लग सकते हैं। ये मेरा डोनट का आटा 20 मिनट में ही डबल हो गया है, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ और इस वक्त यहाँ बहुत गर्मी है। अब हम इस आटे को एक पंच मारेंगे, इसकी सारी हवा बाहर निकाल देंगे और 5 मिनट इसकी और नीडिंग करेंगे। फ्रेंड्स, मैं वनीला एसेंस डालना भूल गई थी, कोई बात नहीं, मैं अभी ऐड कर देती हूँ।
एसेंस अभी ऐड करने की वजह से मेरा आटा चिपक रहा है, तो मैं थोड़ा बटर ले लेती हूँ। मेरी नीडी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे 2 से 3 भागों में बांटकर बेल लेंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2 तरह से डोनट बनाना सिखाऊंगी और अलग अलग साइज के भी और प्राइसिंग के बारे में भी बताऊंगी। इसे हम लगभग 5 से 7 mm की मोटाई का बेल लेंगे। मैंने यहाँ 4 साइज के ग्लास लिए हैं, एक छोटा है और 2 मीडियम साइज के, लेकिन दोनों का साइज अलग है और एक जंबो साइज का है। फ्रेंड्स, हमें कई बार क्लाइंट की डिमांड के अकॉर्डिंग डोनट्स बनाने होते हैं। जैसे मेरे बेटे को टीचर्स डे पर पूरी क्लास के बच्चों को माने कि 40 से 45 डोनट बांटने थे, तो मैंने छोटे छोटे डोनट्स बना दिए, छोटे ग्लास का इस्तेमाल किया। ये हैं वो डोनट्स। और कई बार आपका क्लाइंट रीजनेबल प्राइस मांगता है, तो आप मीडियम साइज भी दे सकते हैं। और जहाँ कहीं आपको लग्जरी शो करनी हो, जैसे कोई VIP गेस्ट आए हो, तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप जंबो डोनट ही बनाएं, क्योंकि इसको डेकोरेट करने के लिए अच्छी खासी जगह भी मिल जाती है और अंदर से फिलिंग भी हम भर भर के कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने हर ग्लास की साइज़ के अकॉर्डिंग बीच में होल बनाने के लिए अलग अलग साइज़ के नोजल्स ले लिए हैं। आपके पास नोजल्स ना हो तो कोई बात नहीं, आप अलग अलग साइज़ के बोतल के ढक्कन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर बड़े साइज़ के लिए बेलन का कॉर्नर और छोटे साइज़ के लिए पेंसिल का पीछे का हिस्सा भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी तरह से डोनट बनाना सिखाती हूँ। इसके लिए मैं 50-50 ग्राम की लोइयाँ बना लेती हूँ। आपके पास वेइंग स्केल ना हो तो आप अंदाजे से भी कर सकते हैं। ये मैंने सारी लोइयाँ तैयार कर ली हैं। अब मैं इसे लगभग 5 से 7 mm मोटा और छोटी सी पूड़ी जितना बेल लेती हूँ और बीच में से एक होल बना लेती हूँ। फ्रेंड्स, मुझे ये डोनट ज़्यादा पसंद है, इनकी साइड्स में शेप बहुत अच्छी आती है। ये देखिए, ये एकदम कर्व्ड और स्मूथ है। और आप जब ये ग्लास से कटे हुए डोनट्स देखेंगे ना, देखो ये 2 पार्ट में कैसे डिवाइड सा दिखता है साइड से। तो इसी तरह हम जल्दी जल्दी अपने सारे डोनट्स रेडी कर लेते हैं। और ये छोटू सा एक मैंने बिना होल का बनाया है। फ्रेंड्स, हम बिना होल के भी बना सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और ये हमारे सारे डोनट्स रेडी हैं। अब इनको कवर करके हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं। जब तक हम एक कढ़ाई में तेल डालकर गर्म कर लेते हैं। हम एक छोटी सी बॉल डालकर पहले देखते हैं, जब इसमें बबल निकलने लगते हैं तो समझ लीजिए आपका तेल गर्म हो गया है। हमें इतना ही तेल गर्म करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है और ना ही बहुत कम। और हमें मीडियम फ्लेम पर ही डोनट्स को तलना है। अगर हमने धीमी आंच रखी तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली बन जाएंगे, और अगर हमने आंच को तेज कर दिया तो ये ऊपर से जल्दी से गोल्डन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो हम इन्हें मीडियम आंच पर ही तलेंगे। और इनका कलर देखिए, बस गोल्डन ब्राउन आने तक हम इनको तलेंगे और इनको बाहर निकाल देंगे। इसी तरह हम जल्दी जल्दी अपने सारे डोनट्स फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ हमें कोई बुद्धि वाला काम तो करना नहीं है, तो क्यों ना हम अपनी चेकिंग करें कि मेरी बुद्धि का योग भगवान से लगा हुआ है कि नहीं। इस तरह से हमारे डोनट का टेस्ट और भी 4 गुना बढ़ जाएगा और बहुत ही तृप्ति देने वाला इसका स्वाद होगा। फ्रेंड्स, हमारे सारे डोनट्स फ्राई होकर रेडी हैं। ये जो मैंने ग्लास से कट किया था और जो सिंपल बेल के होल किया था, उन दोनों के शेप्स में आप डिफरेंस देख सकते हैं। अब हम इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। गार्निशिंग के लिए मैंने सिर्फ मेल्टेड चॉकलेट लिया है, कोई गनाश नहीं लिया है। ऊपर हम सिर्फ मेल्टेड चॉकलेट का ही यूज़ करते हैं, अंदर फिलिंग के लिए हम गनाश का इस्तेमाल करते हैं। जनरली बेकरी पर मिलने वाले डोनट सिर्फ ऊपर से ही डेकोरेटेड होते हैं, अंदर से उसमें किसी तरह की कोई फिलिंग नहीं होती है। फ्रेंड्स, ये तो हम बेकर्स का ही काम है, जो हम चीज़ों को और भी ज़्यादा डिलीशियस क्रिएटिव बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रॉ की हेल्प से अपने डोनट्स में होल्स कर लिए हैं और मैंने 2 तरह के चॉकलेट गनाश लिए हैं, वाइट चॉकलेट गनाश और डार्क चॉकलेट गनाश। जनरली वाइट चॉकलेट गनाश का रेशियो होता है 3:1। लास्ट टाइम मैंने यही बनाया था, लेकिन इस बार मैंने ट्राई किया है थोड़ा सा लिक्विड लेके। और लास्ट टाइम के रिव्यूज़ तो आप क्लाइंट के सुन ही चुके हो, और ये जो मैंने थोड़ा लिक्विड ही बनाया है, इसका रिव्यू ये रहा कि इसके अंदर की जो फिलिंग है ना, जो हमने करी है, वो पूरी तरह से ऐसे मर्ज हो जाती है हमारे डोनट के अंदर, उसका जो ब्रेड है उसमें, कि वो अलग से नहीं पता चलता है कि उसमें कोई फिलिंग है, लेकिन है ना उसका टेस्ट ज़रूर इंक्रीज हो जाता है।
और ये जनरली ना बाहर जो मिलते हैं ना मार्केट में, उनमें इस तरह के बिना होल वाले जो डोनट्स होते हैं ना, उनमें फिलिंग होती है, लेकिन वो ऊपर से डेकोरेटेड नहीं होते हैं। फिर उनको ऊपर से ना कैस्टर शुगर से डेकोरेट किया जाता है। तो मैं आपको हर तरह के यहाँ दिखा देती हूँ। एक में मैंने फिलिंग नहीं करी है, सिर्फ ऊपर से डेकोरेट किया है। एक में मैंने फिलिंग भी करी है और ऊपर से भी डेकोरेट किया है। और ये छोटे से मैंने बनाए हैं जिसमें मैंने कैस्टर शुगर से ऊपर डेकोरेट किया है, जिसमें होल नहीं है। और ये एक नए तरह की फिलिंग मैं आपको दिखाती हूँ जिसमें होल भी है और साइड से हम फिलिंग भी कर रहे हैं और ऊपर से हम इसमें कैस्टर शुगर भी लगाएंगे। ये देखिए ये कितना अच्छा है। इसके पहले मैंने एक छोटू से में जो लगाया था वो नॉर्मली मेरा घर का पिसा हुआ चीनी था, लेकिन उससे इतना बढ़िया लुक नहीं आता जितना कि कैस्टर शुगर से आता है। फ्रेंड्स, अगर आपको चॉकलेट पसंद नहीं हो तो आप सिंपली बिना चॉकलेट के भी सिर्फ ऊपर से कैस्टर शुगर से डेकोरेट करके भी इसको खाएंगे ना, तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इसका ब्रेड जो होता है ना, वो अपने आप में इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे बच्चे तो ऐसे ही, मैं तलती हूँ बिना डेकोरेट ही ऐसे ही खाते जाते हैं। मैं क्या बताऊँ आपको, मैं अभी एक आपको दिखाती हूँ इस तरह का। ये देखिए, इसमें मैंने कोई फिलिंग ना करी है, ना साइड से, ना कहीं से भी नहीं। सिर्फ मैंने ऊपर से इसमें कैस्टर शुगर लगा दिया है। अभी मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ। इसका जो अंदर का टेक्सचर है ना, बिल्कुल माउथ वाटरिंग है और खाने में बेहद लाजवाब है। फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से एक ब्राउनी बॉक्स टाइप के पैकेजिंग में मैंने इनको पैक करके दिया था क्लाइंट को, लेकिन उन्होंने पिक करने में काफ़ी लेट कर दिया था, तो डोनट्स का ऑयल पूरा बॉक्स में सीक्रेट हो गया था। तो मैंने नेक्स्ट टाइम से अब मैं ये करती हूँ कि मैं बटर पेपर लगा के दे देती हूँ, या तो आप ऐसा बॉक्स खरीदें जिसमें ऑयल्स ना आए। अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो मैंने इसका सिंपल सा एक फंडा बनाया हुआ है कि रेडी होने के बाद ये जितने ग्राम का बैठता है मैं उतना चार्ज करती हूँ, माने कि 1000 रुपीज़ kg। आप 1000 से 1200 रुपये किलो तक इनको बेच सकते हैं। और कैसी आपने डेकोरेशन करी है, कितने एफर्ट्स लगाए हैं और क्या पैकेजिंग दी है, उसके हिसाब से भी आप प्राइसिंग इसकी कर सकते हैं। विदाउट एनी फिलिंग एंड विदाउट एनी डेकोरेशन, सिर्फ ब्रेड आप ऊपर से कैस्टर शुगर लगाकर 40 से 50 रुपए में दे सकते हैं। और अगर आपने सिर्फ ऊपर से ही इसको चॉकलेट से डेकोरेट किया है तो आप 60 से 70 रुपए नॉर्मल साइज का डोनट दे सकते हैं। और अगर आपने अंदर से भी फिलिंग करी है तो, और आपके डोनट्स जंबो साइज के हैं, तो आप 100 से 120 रुपए तक इन्हें बेच सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। आप आगे कौन सी रेसिपी हमसे सीखना चाहते हैं इसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली रेसिपी की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी, एंजॉय योर डे। आदत जैसी है तू मेरी, आदत कैसे भूलूं भला, मैं कभी भूलूंगी ना तुझे, चाहे तू मुझको देना भुला। सौदा ये वादों का है या दो इरादों का है, ले ले तू वादे चाहे तू तो मुकर भी ले। सौदा इशारों का है, चाहत के मारों का है, ले ले इशारों।